नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय संस्कृत पंचमह पाठ पढ़ेंगे। घटी पतती अर्थात घड़ी गिरती है। घटी उत्पीटिकाया पतती अर्थात घड़ी मेज से गिरती है। घटी कुतः पतती। अब यहाँ पे प्रश्न बना के पूछा है, पहले बताया कि घड़ी गिरती है, फिर बताया कि घड़ी मेज से गिरती है, फिर प्रश्न किया कि घड़ी कहाँ से गिरती है। घटी कुतः पतती अर्थात घड़ी कहाँ से गिरती है। घटी उत्पीठिकाया पतती अर्थात घड़ी मेज से गिरती है। फिर आगे है सिंह आगच्छति अर्थात शेर आता है। सिंह गुहायाम आगच्छति शेर गुफा से आता है। सिंह कुतः आगच्छति अर्थात शेर कहाँ से आता है। सबसे पहले बताया कि शेर आता है, फिर बताया शेर गुहा से आता है यानी गुफा से आता है, फिर बताया कि सिंह कुतः आगच्छति। प्रश्न बना के फिर प्रश्न पूछा कि शेर कहाँ से आता है। सिंह गुहायाम आगच्छति अर्थात शेर गुफा से आता है। फिर आगे है मसी पतती अर्थात स्याही गिरती है। मसी लेखन्या पतती स्याही पेन से गिरती है। मसी कुतः पतती स्याही कहाँ से गिरती है। मसी लेखन्या पतती स्याही कलम से गिरती है। सबसे पहले बताया कि स्याही गिरती है, फिर बताया स्याही पेन से गिरती है, फिर प्रश्न बना के पूछा कि स्याही कहाँ से गिरती है। तो अपन ने अभी पढ़ा कि स्याही पेन से गिरती है, मसी लेखन्या पतती। तो मसी लेखन्या पतती अर्थात स्याही कलम से गिरती है। फिर आगे है भक्तः आगच्छति अर्थात भक्त आता है। फिर है भक्तः नदा आगच्छति अर्थात भक्त नदी से आता है। फिर प्रश्न किया भक्तः कुतः आगच्छति भक्त कहाँ से आता है। भक्तः नदा आगच्छति अर्थात भक्त नदी से आता है। इसमें सबसे पहले बताया कि भक्त आगच्छति यानी भक्त आता है, फिर भक्त नदा आगच्छति यानी भक्त नदी से आता है। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछा, प्रश्न बना के प्रश्न किया अपन को कि भक्त कुत आगच्छति कि भक्त कहाँ से आता है। तो अभी अपन ने पढ़ा भक्त नदा आगच्छति, तो भक्त नदा आगच्छति यानी भक्त नदी से आता है। एक बार पुनः समझेंगे। घटी पतती घड़ी गिरती है। घटी उत्पीटिकाया पतती यानी कि घड़ी मेज से गिरती है। घटी कुतः पतती, फिर यहाँ पे प्रश्न किया गया कि घड़ी कहाँ से गिरती है। तो घटी उत्पीटिकाया पतती, अभी अपन ने ऊपर ये पढ़ा, फिर यहाँ पे पूछा कि घड़ी कहाँ से गिरती है, तो ये उत्तर अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो घटी उत्पीटिकाया पतती यानी कि घड़ी मेज से गिरती है। फिर सिंह आगच्छति अर्थात शेर आता है। सिंह गुहाया आगच्छति शेर गुफा से आता है। सिंह कुत आगच्छति शेर कहाँ से आता है। सिंह गुहाया आगच्छति शेर गुफा से आता है।
तो इसमें सबसे पहले बताया कि सिंह आगच्छति यानी शेर आता है, सिंह गुहाया आगच्छति यानी शेर गुफा से आता है, फिर प्रश्न बना के पूछा अपन को कि सिंह कुतः आगच्छति यानी शेर कहाँ से आता है। तो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि सिंह गुहाया आगच्छति, अर्थात यहाँ पे अपन लिखेंगे सिंह गुहाया आगच्छति यानी शेर गुफा से आता है। फिर आगे है मसी पतती, अर्थात स्याही गिरती है, मसी लेखन्या पतती यानी कि स्याही पैन से गिरती है, मसी कुतः पतती। फिर यहाँ पे वापस प्रश्न बना के प्रश्न पूछा कि मसी कुतः पतती, कुतः यानी कहाँ, स्याही कहाँ से गिरती है, तो मसी लेखन्या पतती यानी कि स्याही कलम से गिरती है। फिर आगे है भक्तः आगच्छति, भक्तः आगच्छति यानी भक्त आता है। सबसे पहले बताया कि भक्त आगच्छति यानी भक्त आता है, फिर बताया भक्तः नदः आगच्छति यानी कि भक्त नदी से आता है। भक्तः कुतः आगच्छति, पहले बताया भक्त आता है, फिर बताया भक्त नदी से आता है, फिर प्रश्न किया कि भक्त कुतः आगच्छति यानी भक्त कहाँ से आता है। भक्तः नदः आगच्छति, यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि भक्त आगच्छति भक्त नदः आगच्छति, तो भक्त नदी से आता है। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछा कि भक्त कुतः आगच्छति, तो भक्तः भक्त कहाँ से आता है, तो भक्तः नदः आगच्छति अर्थात से सॉरी भक्त नदी से आता है। भक्त कहाँ से आता है, नदी से आता है। इस पाठ का जो भी गृह कार्य है वह आपको PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा, जो आपको संस्कृत की कॉपी में करना है। धन्यवाद।